अच्छा जी, अगला सवाल यह है कि क्या खड़े होकर पानी पीना या खाना खाना जो है, ये तरीका कैसा है और क्या ये काफिरों का तरीका है? काफिरों का तरीका पहले होता था, हमारी वीडियोस के बाद अब मुसलमानों का तरीका बन चुका है। हाँ जी, आपको पता है वो 2014 में जब इस्लामाबाद में एक धरना चल रहा था पॉलिटिकल जमात की तरफ से, उस दौरान डॉक्टर तैलु कादरी साहब भी उस धरने में शामिल थे। तो डॉक्टर तैलु कादरी साहब दुआई इस्तेमाल करते थे ना, तो अब तकरीर के दौरान कोई दुआई आ गई या उनका गला पकड़ा हुआ था कोई, वो साशे घोल के या जुशांदा की जी ने दे दिया, तो वो खड़े होके ना यूं पी रहे थे। दो तीन बार जब उन्होंने पिया ना, तो एक दिन उन्होंने तकरीर में उनको ख्याल आया कि मेरे मुरीद क्या सोचते होंगे कि खड़े होके पानी पीना तो गुनाह का काम है। तो हमारे पीर साहब भी खड़े होके पी रहे, तो उन्होंने कहा ये मैं जो पी रहा हूं ना ये सुन्नत है। हाँ सर, मेरे तो गल आएगी तो फिर मैं सुन्नत दसांगा, वरना पूरी दुनिया को कहानी मुसलमानों ने यही कराई हुई है कि खड़े होकर पानी पीना गुनाह है, खाना खाना गुनाह है, काफरों का तरीका है। इवन इसको छोड़ दे कुर्सी मेज पे बैठने के बारे में अहमद बरेलवी साहब का फतवा है कि ये अंग्रेजों की मुशाबियत है। कुर्सी मेज पे बैठना, चमचों से खाना, पता नहीं ये मतलब क्या कहा रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो वो उन्होंने फिर कहा कि नहीं ये तो सुन्नत है, और उन्होंने कहा जी मौला अली भी खड़े होकर पानी पिया करते थे। बस उन्होंने तो खैर इतना बताया, मैं आपको पूरी हदीस बताता हूँ। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है कि मौला अली रजी अल्लाह तआला अलैहि सलाम जब यानी अमीरुल मोमिनीन बने, तो जाहिर है इन्होंने दारुल खिलाफा कूफे में शिफ्ट कर लिया था, तो आपकी आदत थी कि आप जोर से लेके मगरिब तक ना नमाजों के औकात के लिए मुसल्ले पे आते थे, उसके बाद मिंबर पे चढ़ के लोगों को मसाइल सिखाया करते थे दीन के। इवन लोग ताबईन आके वुज़ू का तरीका भी सीखा करते थे, बिल्कुल बेसिक चीजें भी। तो मौला अली अलैहि सलाम ने एक दिन यानी वो अपने मसाइल जोर के बाद बयान कर रहे थे, उस दौरान वुज़ू करके बताया लोगों को, वुज़ू का तरीका सिखाया, और उसके बाद जब वुजू का जो पानी बच गया था ना उसको खड़े होकर पिया, और फरमाया ये मैंने खड़े होकर पानी इसलिए पिया है क्योंकि मैंने कूफे में लोगों को देखा है कि वो खड़े होकर पानी पीने को मायूब समझते हैं, जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद खड़े होकर पानी पीते हुए देखा है। अच्छा, वो सर जमजम नहीं था, इसमें भी मौलवियों ने ना पाख छोड़ दी, उन्होंने कहा जी वुजू का बचा हुआ खड़े होकर पी सकते हैं, आम हालत में नहीं पी सकते, ये गोरे को जब बताएंगे ना तो वो तो आपके ऊपर हंसेगा, आपका मरीज तो चुप कर जाएगा, वो क्या पूछेगा ये कौन सा तरीका है भाई, पानी तो पानी है, चले जमजम को आपने लादा कर लिया। बुखारी मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जमजम को खड़े होकर पिया, हमारे नजदीक तो वो दलील भी खड़े होकर लिए काफी थी, जमजम बैठ के भी पी सकते हैं, जमजम खड़े होकर भी, दोनों सुन्नत तरीके हैं। मौला अली ने इसमें फरमाया कि तुम मायूब समझते हो खड़े होकर पानी पीने को, कैटेगोरिकल मेंशन किया, आपने ये नहीं कहा कि वुजू का बचा हुआ पीने को, आपने कैटेगोरिकल बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पानी पिया। और इसकी सपोर्ट में एक और हदीस है तिर्मिज़ी और अबू दाऊद में, बड़ी रिकत अंगेज हदीस है। एक साहबी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ लाए तो मेरे घर में एक कोने में मशकीजा लटका हुआ था। पुराने दिनों में, पुराने जमाने में मशकीजों में ना पानी स्टोर करते थे, उसके आगे उन्होंने दो तीन उसके मुंह भी बनाए होते थे। अच्छा, तो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने ना वो मुंह पकड़ के ना एक, तो उसमें से पानी यूं करके पिया। कहते हैं मैं हुजूर को देख रहा था, उस साहबी का नाम है कबशाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, कहते हैं मैंने नजर रखी हुई थी, जैसे हुजूर फारिग हुए ना वो मैंने मुंह का हिस्सा काट के ना अपने पास तबरकन रख लिया, मशकीजे का मुंह काट के उन्होंने तबरकन रख लिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इससे पानी पिया था। ये तिर्मिज़ी और अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, उसमें भी अल्फाज है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर मशकीजे से पानी पिया, उसमें तो जमजम है ही नहीं है, तो नबी अलैहिस्सलाम खुद खड़े होकर पी लेते थे। फिर जामिया तिर्मिज़ी और अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हम खड़े होकर खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे आपके सामने। और ये वो ताबीन को बता रहे हैं, क्योंकि जब कोई बताता है कि उस जमाने में, तो इसका मतलब है कोई नासुख मनसूख वाला चक्कर ही नहीं है। और एक और हदीस तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यानी आप सल्लम के बारे में खुद आया कि आप इस्लाम खड़े होकर पानी पी लिया करते थे, इसे मना भी नहीं फरमाया करते थे। अलबत्ता मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि आप इस्लाम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया, और एक और हदीस है मुस्लिम शरीफ की कि जो शख्स खड़े होकर पानी पिए तो वो क्या करते हैं, उस हदीस से लोग पी लेते हैं, तो वो हदीस मनसूख है। इसलिए मिश्कात में आप ये देखेंगे ना हदीसें सारी इकट्ठी है, इसके बाद वो मनसूखी वाली हदीस है, ये हदीस मनसूख है, आज की डेट में ये मनसूख हो चुका है। यानी नबी अलैहिस्सलाम का जो मना फरमाना था वो मनसूख है, आपने खुद करके बताया, सहाबा इकराम ने, आम सहाबा नहीं, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली ने, हजरत अबू बकर उमर उस्मान तक भी अगर कोई हदीस छुपी हुई थी तो हजरत अली को तो पता ही होगी ना, वो तो सारों के साथ रहे। मौला अली ने अगर सही बुखारी में आता है खड़े होकर पानी पिया है तो फिर बात तो क्लियर होगी कि खड़े होकर पानी पीना और खाना खाना ये सुन्नत है, ये खिलाफ सुन्नत नहीं, काफिरों का तरीका नहीं है।